चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, वो है एन्युइटी। है ना, अपन ने अभी फ्यूचर वैल्यू समझा, प्रेजेंट वैल्यू समझा, अपन ने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या कंपाउंडिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये भी समझा। ठीक है, अभी अपने को देखना है एन्युइटी, ये क्या है। तो एन्युइटी का अगर सिंपल मतलब आपको बताओ तो वहां दिया है, जैसे एन्युइटी इज अ स्ट्रीम ऑफ, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट, रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट ऑफ सेम अमाउंट। मतलब सर सेम अमाउंट मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1 लाख रुपए की आपने एफडी बनाई, 1 लाख रुपए पे आपका समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो अगर आप हर साल इंटरेस्ट रिसीव कर ले रहे हो, कंपाउंडिंग नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 8,000, 8%। दूसरे साल 1 लाख पे 8%, 8,000। तीसरे साल 1 लाख पे 8%, 8,000। चौथे साल 8,000, पांचवें साल, छठवें साल, हर साल 8,000। तो 8,000 इज अ स्ट्रीम ऑफ रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट ऑफ सेम अमाउंट, देयर फॉर दिस 8,000 विल बी नोन एज एन्युइटी। तो अपने को क्या देखना है सर इसके अंदर? कुछ नहीं। अगर ऐसी ही कोई एन्युइटी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू या उसकी फ्यूचर वैल्यू, मतलब अगेन सर क्वेश्चन है आपके सामने, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अपन जब कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तब समझ जाएगा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो यस, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 4 ईयर एन्युइटी ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड एट 10%। 4 ईयर एन्युइटी मतलब गाइस ईयर 1 में कितना रुपए मिलेगा? तो सर 20,000 रुपए मिलेगा। ईयर 2 में कितना मिलेगा? तो सर 20,000 रुपए मिलेगा। ईयर 3 में कितना मिलेगा? तो सर 20,000 रुपए ही मिलेगा। और ईयर 4 में भी कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा। हर साल कितना मिल रहा है? 20,000 मिल रहा है, तभी तो उसको एन्युइटी बोलते। तो इसका क्या करना है सर? अरे बच्चा लोग, ये मिल रहा है ईयर 1 में। अब ईयर 1 मतलब एट द एंड, ठीक है, मतलब आज से 1 साल बाद। मतलब ये क्या है सर? ये फ्यूचर वैल्यू है। आपको क्या निकालना होगा? आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। 1 साल बाद कितने मिल रहे हैं? 20,000। उसकी आज की वैल्यू कितनी? 2 साल बाद कितने मिल रहे हैं? 20,000। उसकी आज की वैल्यू कितनी? 3 साल बाद कितने मिल रहे हैं? 20,000। उसकी आज की वैल्यू कितनी? और 4 साल बाद कितने मिल रहे हैं? 20,000। उसकी आज की वैल्यू कितनी? तो ये है कुछ भी नहीं, कल जैसे अपन ने 5 क्वेश्चंस किए थे वही है, बस 5 क्वेश्चंस में अमाउंट अलग अलग थी और रेट अलग अलग था। यहाँ पे क्या है? अमाउंट सेम है, रेट सेम है, पीरियड 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, पीरियड तो अलग अलग है। तो इसको आप एक क्वेश्चन मत समझो, इसको आप 4 क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू दी है 1 साल बाद की, 20,000 रुपये, रेट दिया है 10%, उसकी आज की वैल्यू कितनी रहेगी? आता है सर हमारे को निकालना, तो निकालो फिर, कैलकुलेटर उठाओ। अब गाइस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा। यस सर, निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकालेंगे सर? 10% है, आ जाओ कैलकुलेटर उठाओ, 1.10, 1 प्लस 10% मीन्स 1.10। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, और एक ही साल का निकालना है, ईयर 1 एक ही साल का निकालना है।
तो ठीक है सर, एक ही साल का निकालना है तो एक ही बार डिवाइड इक्वल टू करेंगे, डिवाइड और इक्वल टू 0.909090 है, उसको 0.9091 कर डालते अपन। ठीक है सर, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, करो मल्टीप्लाई, 20,000 × 0.9091, ये आ गई सर 18182। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने एक और आपको, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि सर 2 साल बाद मेरे को 20,000 रुपये मिलने वाले हैं, 10% का डिस्काउंट रेट है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी आज की वैल्यू निकालो, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो ठीक है सर, 2 साल बाद है क्या, रेट क्या है 10%, तो 2 साल का फैक्टर निकालो, 1.1 ठीक है, डिवाइड, 2 साल है तो इक्वल्स टू 0.8264 मल्टीप्लाई करो 20,000 × 0.8264 सर, ये आ गया मेरा 16,528 प्रेजेंट वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन मेरा अलग, 3 साल बाद 20,000 मिलने वाले हैं, तो 3 साल का फैक्टर सर 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू आया होगा ये आपका 0.7513 × 20,000 15026। और चौथा क्वेश्चन 1.1, 4 साल बाद है सर, तो इक्वल्स टू 0.6830, ये आ गया सर 13,660। चार क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया, एन्युइटी हो गया ये बस, और कुछ नहीं, इसकी टोटल कर डालो है ना। तो वो 20,000 जो आपको पहले साल बाद और दूसरे साल बाद वापस 20 मिलने वाले हैं, तीसरे साल बाद वापस 20 मिलने वाले और चौथे साल बाद भी 20 मिलने वाले हैं, उन सब की आज की वैल्यू क्या है सर? तो उन सब की आज की वैल्यू है 18182 प्लस 16528 प्लस 15026 प्लस 13660, ये आ जाएगा सर 63396, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। और ये काहे की प्रेजेंट वैल्यू है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी सो सिंपल। समझे क्या आप? है ना? यस। अच्छा, एन्युइटी का मतलब समझा? इक्वल कैश फ्लोस है ना, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब उसके उसको समझने के लिए अपन ने उसको एक क्वेश्चन नहीं माना, उसको मैंने 4 क्वेश्चन माने है ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी निकालते हैं। देखो, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 700 ईच पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ द नेक्स्ट 6 ईयर्स, मतलब पहले साल में एंड में मिलने वाले हैं 700, दूसरे साल के एंड में मिलने वाले हैं 700, तीसरे साल के एंड में मिलने वाले हैं 700, चौथे साल के एंड में मिलने वाले हैं 700, पांचवे साल के एंड में मिलेंगे 700 और छठवें साल के एंड में मिलेंगे 700। ऐसे 6 साल तक मिलेंगे। एक क्वेश्चन मत मानो, 6 क्वेश्चंस मान लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हर साल का आपको निकालते आता है, पीवीएफ। कैसे निकलेगा सर? अब मैं वापस वापस नहीं निकालता हूँ, डायरेक्ट हर साल का निकालते आता हूँ और लिखते जाता हूँ है ना। 8% तो 1 प्लस 8% 1.08 आया, 1.8 नहीं आएगा वो, हाँ 1.08, यस, डिवाइड इक्वल्स टू 0.9259, फोर्थ डिजिट राउंड ऑफ करना अगर 5 के ऊपर है तो,
फिफ्थ वाला 5 के ऊपर है तो ठीक है, वापिस इक्वल्स टू 0.8573। वापिस इक्वल्स टू 0.7938। ठीक है, उसके बाद 0.7350 और इक्वल्स टू दबाएंगे 0.68058 है गाइस। हाँ, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 6806, और वापस इक्वल्स टू 0.6302, 016 आ रहा है तो 02। हर साल का फैक्टर निकाल लिया, हर साल से मल्टीप्लाई करो, 700 इनटू 0.9259, ये आ रहा है सर 648.13, आ गया। यस, फिर 700 इंटू 0.8573, ये आ जाएगा 600.11। फिर उसके बाद में 700 इंटू 0.7938, ये आ जाएगा 555.66। उसके बाद में 700 इंटू 0.7350, 514.5, ठीक है 0.5। फिर 700 इंटू 0.6806, 476.42, और लास्ट 700 इंटू 6302, ये आ जाएगा 441.14। ठीक है, इसकी टोटल आप कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, सो सिंपल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, समझ गया, हमारे पास एन्यूटी कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू सेम रहती है, बाकी प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है। लेकिन ये इतना बड़ा आएगा क्या यार 1 मार्क के लिए? बिल्कुल नहीं। इसको करने का एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट तरीका है जो आपको ध्यान में रखना है। अब वो शॉर्टकट तरीका क्या है तो सुनो, ये 20,000 क्या हर साल सेम है? सर एन्युइटी तो हर साल सेम ही रहेगा ना, वो तो 700 भी हर साल सेम ही थे, कोई भी एन्युइटी का क्वेश्चन आएगा वो तो सेम ही रहेगा। तो ये पूरा सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि हर साल मत मल्टीप्लाई करते बेटा। आप क्या करो, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, आप इसकी टोटल करो फैक्टर की, यस फैक्टर की टोटल करो। तो सर 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830, ये आ गया सर 3.1698 किया इसकी टोटल। अब 20,000 इंटू 3.1698 करेंगे तो आप देखो आपका आंसर आ जाएगा 63396, एग्जैक्ट सेम आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल मैथमेटिक्स का यूज किया, जो चीज कॉमन है उसको सिंगल कर डाली, 20,000 चार बार आ रहा उसको कॉमन ले लिया, सिंगल कर दिया और इनटू उसकी टोटल कर डाली, खत्म। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की टोटल मल्टीप्लाइड बाय एक ही बार 20,000, 20,000 मेरे को मिल रहे चार बार, मैं ये नहीं हो रहा एक ही बार मिल रहा है, लेकिन मैंने फैक्टर्स की टोटल ले ली ना यार, चार साल के फैक्टर्स की टोटल ले ली। यस, यहां पे भी देख लो करके एक बार, ये वाले में भी करो फटाफट, खुद से भी करो। 0.9259 सर, 0.8573 सर, प्लस 0.7938 सर, प्लस 0.7350 प्लस 0.6806,
प्लस 0.63024.6228 आया। करो 700 इंटू 4.6228, देखो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 3235.96, पहले भी वही आ रहा होगा। सो सिंपल है ना। तो सर लेकिन इसमें भी सर वो पहले 6 साल के फैक्टर्स निकालो, फिर उसकी टोटल करो, फिर निकालो, या पहले वाले क्वेश्चन में 4 साल के फैक्टर्स लिखो, फिर उसको टोटल करो, फिर 20,000 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी टाइम तो लग रहा है। हाँ टाइम तो लग रहा है। और शॉर्टकट बिल्कुल है, आप बोलो बस क्या चाहिए आपको। ठीक है देखो, कैलकुलेटर का यूज करेंगे थोड़ा ध्यान से। पहले साल का फैक्टर कैसे निकाला था आपने? पहले साल का फैक्टर तो सर हमने किया था 10% है। हाँ हमने किया था 1.1 डिवाइड इक्वल टू, ऐसा किया था 0.90। अब आप क्या करेंगे, ये जो एम प्लस का बटन है ये दबाएंगे, तो इससे क्या हो रहा, आपके यहाँ पे देखो आप कैलसी पे एम लिख के आ गया, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ने 0.9091 आपके मेमोरी में, आपके मतलब कैलकुलेटर के मेमोरी में ऐड कर दिए। फिर ये तैयार है, एक और इक्वल्स टू दबाओ, सेकेंड ईयर का फैक्टर एम प्लस, ऑलरेडी 0.9091 था उसमें और 8264 ऐड हो गया, अपने आप कैलकुलेटर में है ऑलरेडी एडेड हो, थर्ड ईयर का फैक्टर इक्वल्स टू आया वापिस एम प्लस, फोर्थ ईयर का फैक्टर आया वापिस एम प्लस, 4 साल के फैक्टर्स आए, चारों साल के फैक्टर्स मेमोरी में ऑलरेडी एडेड है। अब कुछ नहीं करना है, ये एक बटन है एमआरसी का, इसको आप दबा देंगे तो 3.1698 आपको दिखेगा, और 3.1698 आपका आया भी था बच्चा लोग, मतलब आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स लिखना, निकालना, फिर उसकी टोटल करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा काम विद इन अ सेकेंड कैलकुलेटर पे हो जाता है। वापिस यस, देखो ये देखो 1.1 है ना, ये डिवाइड इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी 3.1698, जादू। फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं, फिर इनटू इनटू दबा के 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल्स टू हो गया 63397, 1 रुपए का फर्क आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ने पूरे डेसिमल्स लिए, चलेगा, इंस्टीट्यूट का दिल बहुत बड़ा है, आप टेंशन मत लीजिए। तो 63397 निकालने में आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे गाइस, बिना कुछ लिखे आपका पूरा की पूरा कैलकुलेटर पे आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को भी मैं वैसे ही सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान से करना। यस, और ये एन्युइटी अपना फर्स्ट चैप्टर जो है कैपिटल बिल्डिंग, उसमें बहुत 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 सारी बार यूज होने वाला है। ठीक है यस, तो आ जाओ। क्या है सर रेट? 1.8% है तो 1.08 आता है वो, है ना 1.08 लिखा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, डिवाइड एक बार 6 साल का है, हाँ तो इक्वल्स टू 1 एम प्लस इक्वल्स टू 2 एम प्लस इक्वल्स टू 3 एम प्लस इक्वल्स टू 4 एम प्लस इक्वल्स टू 5 एम प्लस और इक्वल्स टू 6 एम प्लस। एमआरसी करो, आया था क्या 4.6228? बिल्कुल आया था सर, मल्टीप्लाई करो, ये देखो मल्टीप्लाई करो 700 3236 3235, 1 रुपए का फर्क है, वापस चलेगा। सो सिंपल, ठीक है। और एक लास्ट चीज,
और कोई शॉर्टकट नहीं है, डोंट वरी। और एक लास्ट चीज बस आपको ये बतानी है कि ये जो आपने फैक्टर निकाला सब फैक्टर्स की टोटल करके, दिस फैक्टर इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू एन्यूइटी फैक्टर। सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की टोटल करने के बाद जो आता है वो आता है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूइटी फैक्टर। अगेन ये जो फैक्टर आया इसको क्या बोलेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूइटी फैक्टर। और ये फैक्टर आपको निकालते आना चाहिए कैलसी पे विद इन सेकेंड्स, ठीक। अच्छा इसका एक और शॉर्टकट है, इसका एक और शॉर्टकट है लेकिन वो कैलकुलेटर पे नहीं है, इसके टेबल्स आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, इनके प्रिंटेड टेबल्स आते हैं। क्योंकि अरे 10% को आप डिस्काउंट करोगे एक साल के तो 0.9090 ही आएगा ना हमेशा, है ना। 8% का करोगे तो 0.9259 ही आएगा सेकंड, ये तो कांस्टेंट ही है ना। तो इसके प्रिंटेड टेबल्स आते हैं, तो एग्जाम इंस्टीट्यूट आपको टेबल्स तो देगी नहीं, तो इसलिए वो वाला शॉर्टकट है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। टेबल है ढूंढ लो खत्म, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर भी नहीं उठाना, तो सही में शॉर्टकट हो गया ना वो तो। और लेकिन खैर इंस्टीट्यूट आपको टेबल देती नहीं है, तो इसलिए वो मैं आपको अभी बता भी नहीं रहा हूँ। एक बार चैप्टर हो जाएगा लगे तो टेबल्स कैसे देखना हो बता दूंगा, एक अगेन 30 सेकेंड्स का भी काम नहीं है, समझाना फिर आपको तो आंसर 1 सेकेंड में आ ही जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर ये समझाने के लिए मैंने आपको एन्युइटी समझाया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर है तो सर फ्यूचर वैल्यू भी तो रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी, वो भी देखते हैं अपन, है ना। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी उसका फॉर्मूला दिया है मैंने, तो आप समझ गए होंगे कि सर ये हमारे को ऐसे नहीं जमने वाला, इसलिए आपने फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि अभी तक तो कोई फॉर्मूला दिखाया नहीं आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा लोग, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर मैंने आपको समझाया है वैसे ही समझाऊंगा, जैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर आपने निकाला है वैसे ही निकालना बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो जो ऐड करते हैं ना अपन एम प्लस वगैरह उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा दिया टू बी डबल सेफ, है ना। बाकी मेरे को आप पे भरोसा है ना, मैं ट्रस्ट करता हूँ आपको जम जाएगा, देखो जमता कि नहीं जमता, ठीक है। तो सर फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना, अब सबसे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का मतलब क्या, एन्युइटी का मतलब आपको पता है इक्वल कैश फ्लोस, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या यार, क्वेश्चन पढ़ो देखो क्वेश्चन में समझ जाओगे आप। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन्युइटी इफ पेमेंट ऑफ 5000 इज मेड एन्युअली फॉर 7 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एन्युअली। इसका मतलब क्या है कि मैं ईयर वन में इन्वेस्ट करूंगा 5000, मिलेगा नहीं, इन्वेस्ट करूंगा। ईयर टू में भी इन्वेस्ट करूंगा 5000, ईयर थ्री में भी इन्वेस्ट करूंगा 5000, ईयर फोर में भी इन्वेस्ट करूंगा 5000, फाइव में भी इन्वेस्ट करूंगा, सिक्स में भी इन्वेस्ट करूंगा और ईयर सेवन में भी, ऐसे 7 सालों तक के मैं 5000 5000 5000 इन्वेस्ट करता जाऊंगा। आफ्टर 7 ईयर्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब फ्यूचर वैल्यूज निकालना है ना आपको, है ना। तो यहां पे आप ध्यान देना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। मैं इन्वेस्ट करूंगा ईयर वन में, तो ये मान लेते कि एट द एंड है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर वन। अब ईयर वन के एंड में इन्वेस्ट करूंगा और ईयर सेवन के एंड में पूछा है, मतलब 5000 का अमाउंट कितने साल के लिए इन्वेस्टेड होगा,
वापिस वापिस सोचना। हाँ, आपने जो बोला है शायद वो गलत हो सकता है। ईयर वन के एंड में इन्वेस्ट करूंगा, वन के एंड में, बिगनिंग में नहीं। मतलब एक साल खत्म हो गया, साल खत्म हुआ, 5,000 इन्वेस्ट किया, और ईयर सेवन के एंड में उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा? आप बोलोगे सर ये 6 ईयर के लिए रहेगा, 7 साल नहीं बेटा। अगर किसी ने 7 साल बोला होगा तो नहीं, गलत, क्योंकि पहला साल तो ऑलरेडी खत्म हो गया ना बेटा। सेम लॉजिक के हिसाब से अगर मैं ईयर टू में इन्वेस्ट करूंगा, सेम लॉजिक के हिसाब से अगर मैं ईयर टू में इन्वेस्ट करूंगा तो 2 साल तो हो गए हैं, 5 साल बचे हैं सर, 4 साल बचे हैं सर, 3 साल बचे हैं सर, 2 साल बचे हैं सर, 1 साल बचे हैं सर, और ईयर सेवन के एंड में इन्वेस्ट करूंगा तो ईयर सेवन के एंड में, मतलब कुछ भी टाइम नहीं बचा है सर, 0 ईयर बचे हैं। ऐसे ही होगा वो, है ना? तो मतलब ये 5,000 को मेरे को 6 साल बाद की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप मुझे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 6 साल का निकाल के दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर। कैसे? सुनो, सुनो नहीं देखो, 1.14 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये दूसरे साल का आ गया है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा आ गया, सिक्स्थ ईयर का है ना, 5 ही बार दबाना पड़ेगा। इक्वल्स टू कितना आया सर? 2.1949, 49 नहीं हो, 50 हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। 5 साल का निकालो तो 1.14 ठीक है डिवाइड इक्वल्स टू, ये दूसरे साल का, 3, 4, 5, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो गया, रियली सॉरी, इनटू ये दूसरे साल का, 3, 4, 5, 1.9254, ऐसे चौथे साल का निकालो, 1.14 मल्टीप्लाई 3 बार, 1, 2, 3, 1.6889, तो 6890 हो जाएगा वो, साथ में करना, हाँ नहीं तो समझेगा नहीं मैं क्या ला रहा हूँ। फिर 1.14 3 साल का निकालना है, मतलब इनटू 2 बार, इक्वल्स टू 1.4815, 1.14 2 साल का निकालना, मतलब एक बार, 1.2996, और 1 साल का निकालना है बच्चा लोग तो 1.14, और 0 ईयर का निकालना है तो 0 नहीं 1, क्योंकि 7 साल बाद 5,000 की वैल्यू, 7 साल बाद 5 ही हजार रहेगी, तो कैसे आएगा 5,000? इनटू 1 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करो, चालू हो जाओ आप भी, मैं भी चालू हो जाता हूँ, ठीक है। 5,000 इंटू 2.1950, ये हो जाएंगे सर 10975। फिर 5,000 इंटू 1.9254, 9627, 5,000 इंटू 1.6890, 8445, फिर 5,000 इंटू 1.4815, 7407.5, फिर 5,000 इंटू 1.2996, 6498, और 5,000 इंटू 1.14, ये हो जाएगा 5,700, और 5,000 इंटू 1 ये हो जाएगा 5,000। इसके आप टोटल करेंगे तो 10, 19 और 8, 19 और 8 हो जाएगा 27 और 7, 34, 34 और 6, 40, 45, यस
53,652.5, ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी हो जाएगी। कब? अगर आप 5,000 रुपए 7 साल तक हर साल के एंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। सो सिंपल। इसको कैलकुलेटर पे करने का तरीका आपको पता है सर, हम क्या करेंगे, हम 5,000 तो कॉमन ही है तो हम ये फैक्टर्स की टोटल ले लेंगे। देखो टेन पॉइंट 7305 इंटू 5,000, ये आ जाएगा 53,652.5। एग्जैक्ट उतना अमाउंट आ रहा है। क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे अपन फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। खत्म। अब सारे फ्यूचर वैल्यूज आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। यस सर, सारे फ्यूचर वैल्यूज आप एम प्लस करके फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर भी निकाल सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, देखो तो भी आना चाहिए। कैसे? आर मीन्स आपकी एन्युइटी की वैल्यू 5,000, 1+ i रेट है 14% रेस टू द पावर एन मतलब 7 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14%। इसको सॉल्व करो, 1.14 रेस टू द पावर 7 है मतलब 6 बार इंटू इक्वल्स टू दबाएंगे इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया 1.14 इंटू इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, ये करेंगे -1, ये आ जाएगा 1.1949 डिवाइडेड बाय 14%। तो डिवाइडेड बाय 14% आप कर दो, कुछ तो गड़बड़ हुई, 1 मिनट चलो सॉरी, 1.14 टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ओके 2.5 आ रहा है, 2.5022 डिवाइडेड बाय नहीं -1 करेंगे डिवाइडेड बाय 14%। यस, ये आ गया 10.7305, डायरेक्ट आ गया। तो ऐसा है सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, पूरा प्रेजेंट वैल्यू जैसा ही है, बस फैक्टर्स वहां प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ फ्यूचर वैल्यू है। तो इसको थोड़ा एम प्लस निकाल के सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल जाता है ना, और प्लस इसमें कैसा है, लास्ट ईयर वाले में 1 भी आता है तो वो 1 भी याद करना पड़ता है, वो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको यहाँ फॉर्मूला लिखाया है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी इज इक्वल टू आर, आर मतलब कैश फ्लोस जो अपने 5,000 थे, ठीक है, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब टर्म पीरियड, और इतना अगर आपको समझ गया है तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फैक्टर और उसका फ्यूचर वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो सिंपल। इसकी जरूरत कैपिटल बजटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ इसके ऊपर स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट 1 मार्क का एमसीक्यू जरूर पूछ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। कैपिटल बजटिंग में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू की ही जरूरत पड़ती है, फ्यूचर वैल्यू की कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा लोग। ऐसा मेरा क्वेश्चन है, आई होप आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी समझा होगा। इसके ऊपर अपन और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, है ना?
अगेन फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकालना नहीं भी आया तो आप हर साल के फैक्टर निकालने की टोटल कर निकाल के उसकी टोटल कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका फॉर्मूला है, याद करो और खत्म करो, ठीक है बच्चा लोग? यस, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें लगेगी, है ना? अपन देखेंगे और क्वेश्चंस, लेकिन आपको और ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, है ना? यस। तो अभी अपना सिर्फ सिंकिंग फंड और परपिचुटी बताया बचा है, दोनों भी 5-5 मिनट के ही कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युइटी, एन्युइटी में प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको 5 मिनट में सिंकिंग फंड और परपिचुटी, दो दो मिनट का कंसेप्ट है, मैं समझा दूँ, ठीक है? तो अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे फिर खत्म होता है, अभी नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है? यस। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।